इन तीनों बच्चों को लेकर वो माँ जो है अपने पति से झगड़ा करके घर से चली आई थी, और उसने गुस्से में दोनों बच्चों को वहाँ उस कुएं में धकेल दिया था। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत केरवाना गांव के कुएं में मिले बच्चों के शवों की मौत के पीछे की कहानी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि पति पत्नी के विवाद के चलते एक करियोगी माँ ने ही अपने बच्चों को कुएं में धकेल कर हत्या कर दी थी। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह बटियागढ़ के केरवाना गाँव में दो नाबालिग बच्चों के शव मिले थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सबको कुएं से बाहर निकाला था, जिनकी शिनाख्त छतरपुर जिले के सनबरा गांव निवासी के रूप में हुई। मृतकों के स्वजन भी केरवाना पहुंचे थे और मां भी साथ में थी। पुलिस ने बताया कि केरवाना गांव में एक गहरे कुएं में बच्ची और बच्चे का शव मिला है। दोनों रिश्ते में भाई बहन है। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि महिला अपने तीन बच्चों के साथ ससुराल आई थी, जहां उसका कुछ विवाद हुआ है। महिला अपने बच्चों को लेकर मायके निकली थी, जिसमें से दो बच्चों के शव केरवाना गांव के एक कुएं में मिले हैं। यह घटना करीब 10 दिन पूर्व की है, लेकिन महिला ने पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी थी। जी, उसमें हम लोगों ने जो बच्चों के शव मिले थे उनमें उनकी शिनाख्त के लिए तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर ये खबर प्रचारित प्रसारित की थी, जिसमें हम लोगों को उनके परिवार के लोगों की तरफ से ये सूचना मिली कि ये वो बच्चे शिनाख्त की जा रही है, उनके परिवार के बच्चे हैं। उसमें आगे के इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि जो बच्चों की माँ है उसके तीन बच्चे हैं, लड़की 11 साल की है, एक लड़का 5 साल का है और एक छोटी बच्ची 3 साल की और है। इन तीनों बच्चों को लेकर वो माँ जो है अपने पति से झगड़ा करके घर से चली आई थी, और वो अपने मायके जाने के लिए ये बोल के घर से निकली थी। ये घटना लगभग 26 तारीख की है, 26 अप्रैल की। उसके बाद 30 अप्रैल के बाद उसके पति और उस महिला के बीच में कोई संपर्क नहीं रहा, और पति प्रयास करता रहा कि वो उसको लोकेट कर पाए और उसका कुशल क्षेम पता कर पाए। इसी बीच जो महिला थी उसने अपने पति को ये धमकी भी दी थी कि उनके जो पारिवारिक विवाद हैं उसकी वजह से वो मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित है, और एक दिन वो ऐसा कुछ कर लेगी कि वो बच्चों को कहीं फेंक देगी या मार देगी, इस प्रकार की घटना कारित कर सकती है, ये पति ने पुलिस को अपने बयान में बताया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि महिला ने केरवाना के पास करीब 2 या 3 लोगों से ये पता करने की भी कोशिश की कि आसपास कोई कुआं या कोई बावड़ी हो जहाँ पर वो पानी पीने जा सके, या फिर बच्चों के वो पानी वानी पिला सके। उसके बाद महिला को जब हमने लोकेट किया तो उसने भी अपने स्टेटमेंट्स में ये स्वीकार किया है कि वो अपने पति से झगड़े के बाद वहाँ पर आई थी, और उसने गुस्से में दोनों बच्चों को वहाँ उस कुएँ में धकेल दिया था, और उसके बाद वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठी भी रही, और उसके बाद फिर वो अपने मायके की तरफ गई है। इसमें करीब 2-3 साक्षी ऐसे मिले हैं जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, और पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है, और उसकी काउंसलिंग के साथ साथ उसके स्टेटमेंट्स भी अभी किए जा रहे हैं।